जयपुर लोकसभा सीट से में 7 मई को मतदान होना है। इससे पहले पार्टियां पूरे जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने चुनावी तैयारियों को लेकर कहा है कि 9 विधानसभा में मेरे 5 बार दौरे हो चुके हैं, जनता ने निर्णय लिया है कि रायपुर लोकसभा में वो एक इतिहास रचेंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट को लेकर तंज कसा है, कहा है कि जो लोग प्रभु राम का सम्मान नहीं करते हैं, जो लोग प्रभु राम लाल के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होते हैं, उन पर हनुमान जी गदा चलाएंगे। साथ ही बीएड और डीएड डिग्री धारकों की मांग को लेकर कहा, हमने कभी किसी के साथ में अन्याय होने नहीं दिया है, सबके साथ में न्याय होगा। सभा चुनाव है और तीसरे चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं। हमारे साथ है उच्च शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, सीधे उनसे ही चर्चा करते हैं। सर, तीसरे चरण का चुनाव है, अब भी मैदान में रहेंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या लग रहा है, कितना प्रभाव? देखिए, जो जनता का मैं लगातार पूरे 9 विधानसभाओं में मेरे 5 बार दौरे हो गए हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि जनता ने निर्णय ले लिया है कि रायपुर लोकसभा में वो एक इतिहास रचेगी। सर, लगातार जो है कांग्रेस भी कई बयान जारी कर रही, फिर आज एक पूर्व सीएम का एक बयान आया है जिसमें हनुमान जी जो है कांग्रेस के साथ है और चुनाव जो है जीत के आने वाले हैं। अब कांग्रेस जो है खाली बयान वीर बची है, जो लोग प्रभु राम का सम्मान नहीं करते, जो लोग प्रभु राम के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होते, उनको हनुमान जी गदा चलाएंगे। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में जैसे जीत हासिल हुई वैसे ही यहाँ पे भी होने वाली। अब बिल्ली के भाग से हर जगह छीका नहीं टूटता। लगातार जो युवा है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कई बातें भी सामने आ रही कि इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में हो सकता है, क्या लग रहा है बीएड और डीएड धारियों के लिए, आप क्या कुछ? देखिए, उनके लिए किसी के साथ में भी हमने कभी अन्याय नहीं होने दिया है, अभी भी सबके साथ में न्याय होगा। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना, शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना, आने वाले समय में उनके साथ न्याय होगा, यही उनका कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या कुछ जो राजनीति है वो इस पर होती है। कैमरामैन अरुण के साथ दामिनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर।